हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं इस जैकेट के आगे वाले दोनों पल्लों में हमने मोटे की कटाई कैसे करनी है और गले की हमने कटिंग कैसे करनी है ये वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसे ही बताइए आपको, इस जैकेट के वन बाय वन मैंने सारे पार्ट आपके साथ शेयर किए हुए हैं। तो आज हम यहाँ पर मोटे की कटाई कैसे करेंगे और नेक की कटिंग कैसे करेंगे ये आपके साथ मैं शेयर करूँगी। इस जैकेट के अगर अब तक आपने पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिए, क्योंकि ये जैकेट बहुत ज़्यादा सुंदर, बिल्कुल देखिए जैसे रेडीमेड होती है ना, उस तरह से जैकेट बन रही है। बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है सबको। देखिए इस तरह से सेम इसी तरह से जैकेट बनानी है। दो और जैकेट के ऑर्डर आ गए हैं मेरे को, इतनी अच्छी लग रही है ये जैकेट बनी हुई। तो आप भी इसे बनाइए और बनाने में भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो चलिए पहले इस पार्ट में हम मोढ़े की कटाई डालना शुरू करते हैं। बॉर्डर से लेकर यहाँ से, बॉर्डर से लेकर यहाँ तक आपने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ बनानी है। वैसे मैंने पीछे वाले पार्ट में आपको बताया था कि हमने कितनी लेंथ इसकी बनाई है, लेकिन आपने अपने अंडरआर्म्स पर इंची टेप रखी है, हिप तक जितना लंबा चाहिए आपको। चाहे आप इंची टेप नहीं है तो ये पल्ला लगा कर देख लीजिए, उसी हिसाब से आपने इसकी लेंथ बना लेनी है, ठीक है। अब जैसे पीछे वाले पार्ट में 5 4 3 2 1 की कटाई की थी, वैसे ही सेम टू सेम आगे वाले पार्ट में करूँगी। तो ये दो फंदों को एक साथ लेंगे ऐसे सिलाई में, इस तरह से दो का एक कर दूँगी, ठीक है। फिर से एक फंदा ये, एक ये लेंगे, दोनों दो का एक कर देंगे। दो फंदों की होगी, एक फंदा ये, एक ये लेंगे, दो का एक कर देंगे। ये तीन फंदों की, एक फंदा ये, एक ये, दो का एक कर देंगे। चार की, एक बार फिर से इन दो फंदों को दो का एक कर देंगे। तो ये टोटल हमने पांच फंदों की कटाई की, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये बाकी के फंदे सीधे बनेंगे, क्योंकि पहले मेरी जाली वाली रो होके गई है तो मैंने इस फंदों को सीधा बनाना है इस रो में, ठीक है। तो मैंने इन्हें ऐसे सीधा बना लिया। अब धागा अपनी तरफ करते हुए दो फंदे उल्टे, बाकी की रो भी सेम टू सेम ऐसे ही बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। उल्टी तरफ से देखिए, ये पूरी रो बनाने के बाद इस लास्ट के फंदे को बिना बुने हमने ऐसे ही रख लेना है, ठीक है। अब सीधी तरफ से हमने अपनी चार फंदों की कटाई करनी है। तो ये दो फंदे लिए ऐसे सिलाई में, पीछे वाले फंदे को उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे। ये एक की होगी, एक फंदा ये, एक ये, दो का एक कर देंगे। दो फंदों की, फिर से दो का एक करेंगे। तीन की, इसी तरह से फिर से हमने दो फंदों को एक साथ लेना है, दो का एक कर देना है। ये चार फंदों की कटाई करने के बाद अब बाकी के ये वाले फंदे मैं सीधे ऐसे ही बना लूंगी, क्योंकि यहाँ पर फिर से हमारी कटाई डलेगी और ये फंदे भी हमारे कम रह गए हैं। इन्हें ऐसे ही सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, ये दो फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ। अब यहाँ से सेम वही डिज़ाइन डालेंगे जो हम डालते आ रहे हैं, ऐसे ही रो बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। उल्टी तरफ से ये वाला फंदे को फिर से हमने बिना बुने ऐसे ही रख लेना है। पांच और चार की कटाई करने के बाद अब हमने यहाँ पर अपने तीन फंदों की कटाई करनी है। दो फंदों को ऐसे लेंगे, पिछले फंदे को उठाएंगे, बिना बुने वाले को ऊपर से गिरा देंगे, ठीक है। ये होगी हमारी एक फंदे की। अब इन दो फंदों को दो का एक कर देंगे, इस तरह से सिलाई डालते हुए दो की, फिर से दो फंदों को दो का एक करेंगे। ये टोटल हमारी तीन फंदों की कटाई होगी। तीन फंदों की कटाई करने के बाद ये एक, ये दो फंदे तो हमारे सीधे आए, दो फंदे बच गए। अब धागा अपनी तरफ, ये एक, दो फंदे उल्टे, और ये बाकी की रो सेम वैसे ही बनाएंगे। अब यहाँ पर फिर से हमने अपने दो फंदों की कटाई डालनी है। तो दो फंदों को ऐसे ले लेंगे, इस पीछे वाले फंदे को उठाकर ऊपर से गिरा देंगे। ये एक फंदे की होगी, एक फंदा ये, एक ये, पीछे से सिलाई डालते हुए दो का एक कर देंगे। ये दो फंदों की कटाई होगी। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, ये दो फंदे उल्टे बनाएंगे, और यहाँ पर जिस तरह से हम ये डिज़ाइन बना रहे थे 13 फंदों का,
बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही डिज़ाइन बना लेंगे। अब पूरी रो ऐसे ही बनाकर हम कंप्लीट कर लेंगे और लास्ट में जैसे हर बार हम बिना बुने हुए एक फंदा रख रहे हैं, वैसे ही बिना बुने हुए एक फंदा रख लेंगे। अब यहाँ पर हमारी एक फंदे की घटाई रही है, तो इन दोनों फंदों को इस तरह से लेंगे, इस बिना बुने हुए फंदे को ऊपर से गिरा देंगे, ये हमारी एक फंदे की घटाई होगी। देखिए फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। अब ये फंदा हमारा उल्टा है, इसे उल्टा बना लेंगे। अब पूरा डिज़ाइन देखिए बिल्कुल सेट चलता जाएगा। हमारे यहाँ पर दो फंदे बचे हैं हमारे पास, जो ये वाले वैसे भी उल्टे चल रहे थे, तो डिज़ाइन फिर से सेम वैसे ही यहाँ से शुरू हो गया है। दो फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, ये 13 फंदे सीधे। ऐसे करते हुए हमने यहाँ पर अपनी ये रो बनाकर कंप्लीट करनी है। अब देखिए हमारी ये मुट्ठे वाली कटाई पूरी कंप्लीट हो गई है। पहले 5 की, 4 की, 3 की, 2 की, 1 की, ऐसे हमने कटाई डाल दी है जैसे हमने पीछे वाले पल्ले में डाली थी। देखिए कईयों का ना ये तीरे वाला पोर्शन बहुत चौड़ा होता है, अगर किसी के लिए जिसके लिए बना रहे हो उसको ऐसे यहाँ पर पूरी चढ़ाई है, तो जैसे आपने ये हमारी एक फंदे की घटाई डाली है आप ना डालिएगा, या फिर 5, 3, 2, 1 की घटाई डाल लीजिएगा, आपने देखकर बनाना है। जिनके लिए मैं बना रही हूँ उनकी ये वाली तीरे वाली चौड़ाई ज़्यादा नहीं है, ठीक है, ब्रेस्ट के ऊपर का पार्ट ज़्यादा चौड़ा नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने मेरे को बोला था कि मैं ऊपर से मेरी जैकेट का तीरा नहीं गिरना चाहिए, तो उसी हिसाब से मैंने देखे यहाँ पर 5, 4, 3, 2, 1 की घटाई डाल दी है। इस तरह से थोड़ा सा जिसके लिए बनाते हैं उनके लिए हमने थोड़ा सा बस देखना होता है, और बाकी ये कार्डिगन वगैरह तो हमने अपने हिसाब से बनाना होता है। एक ज़्यादा फंदा कम कर लीजिए, ज़्यादा कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अंदाजे से बनाना होता है, सेटिंग आ जाती है, क्योंकि ये स्ट्रेच ही होते हैं सारी चीज़ें, ये वूल जो स्ट्रेच होती है ना इसके लिए। अब आपने ऐसे ही 2 फंदे उल्टे, 13 फंदे सीधे वाली मेरी ये रो डल रही है, ये हम ऐसे ही बनाते जाएंगे यहाँ तक। फिर यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, गले की घटाई इसकी स्टार्ट कर देंगे। अब फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, देखिए ये 2 फंदे उल्टे, ये हमने 11 फंदे मैंने सीधे बना लिए, इन सीधे फंदों में से ये 2 फंदे रख लिए हैं। अब यहाँ पर गले की घटाई डालना मैं शुरू करूँगी, इन 2 फंदों में इस तरह से सिलाई डालते हुए 2 का एक कर दूँगी। फिर धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, इस फंदे को उतार कर बाकी की पूरी रो सेम वैसे ही जैसे हम बना रहे थे वैसे ही सेम बनाएंगे, उल्टी तरफ से भी वैसे ही रो बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। अब सीधी तरफ से भी आप यहाँ तक बना लीजिए, फिर आगे बताती हूँ कि इस जाली वाले पैटर्न को यहाँ पर हमने कैसे सेट करना है। अब यहाँ पर देखिए सिलाई को कंप्लीट करते हुए सीधी तरफ से हम यहाँ लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमने 4 का एक किया, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर 3 फंदे कम हुए हैं, तो इसका क्या मतलब है कि 3 जालियाँ हमारी यहाँ पर डलनी चाहिए। तो धागा अपनी तरफ, ये एक फंदा सीधा 1 हो गई, धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा 2 हो गई, धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा, ये 3 हो गई। 3 जालियाँ डालने के बाद अब ये 1, 2, 3 फंदे हम सेम ऐसे ही सीधे बना लेंगे। अब यहाँ पर आगे से सिलाई डालते हुए 2 का एक कर देंगे, जिस तरह से हमने हर सीधी सिलाई में यहाँ पर 2 का एक करते जाना है। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा दूसरी तरफ करते हुए जैसे हमने सेम वैसे ही चैन वाले फंदे को उतारा और बटन पट्टी के फंदों को बनाएंगे। उल्टी तरफ से जैसे हम ये 2 फंदे उल्टे बना रहे थे, उल्टी तरफ से इन फंदों को हमने सीधा किया था, सेम वैसे ही अब भी बनाते जाना है। देखिए इस तरह से ये यहाँ से हमारी गले की घटाई होना शुरू हो गई है, इस तरफ ऐसे आएगा ये जैसे स्टार्टिंग से 2 फंदे उल्टे आते जा रहे थे बटन पट्टी के पास, वो वैसे ही आते जाएंगे। यहाँ से मैंने 2 का एक करना स्टार्ट कर दिया है, तो फिर से आपने क्या करना है, उल्टी रो बनानी है, सीधी तरफ से यहाँ तक बना लीजिए, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। इस रो में देखिए ये 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद ये वाले फंदे हमारे सीधे, अब यहाँ पर फिर से हमने 2 का एक करना है, ये 2 उल्टे फंदों से पहले हमने 2 का एक करना है, बस आपने इस बात का ध्यान रखना है, ऐसे आगे से सिलाई डालते हुए 2 का एक कर देना है। फिर उसके बाद धागा अपनी तरफ करते हुए बाकी की पूरी रो सेम हम वैसे ही बनाते जाएंगे।
पहले तो सॉरी, ये मैं पूरी रो बनानी थी, भूल गई वीडियो बनानी। यहाँ पर दो फंदे उल्टे बनाए, फिर यहाँ पर चार कैक किया, सेम वैसे ही तीन बार जाली डाली है, जाली डाली एक फंदा सीधा, जाली डाली एक फंदा सीधा, जाली डाली एक फंदा सीधा, क्योंकि यहाँ पर चार का एक करते हैं। तो देखिए ये एक फंदा तो हमारा बन ही जाता है, तीन फंदे कम होते हैं तो तीन जाली डल गई। तीन जालियाँ बनाने के बाद अब यहाँ पर एक फंदा ये सीधा, अब फिर से आगे से सिलाई डालते हुए दो का एक। अब आप समझ गए इस डिज़ाइन को आगे आगे हमने कैसे बनाना है, सेम ऐसे ही बनाते जाना है, यहाँ पर दो का एक करते जाएंगे। जैसे अब फिर इन फंदों को सीधा बनाएंगे, फिर उल्टी रो बनेगी, फिर से अब सीधी तरफ आएंगे, फिर से जाली होगी। तो आपने एक बार काउंट कर लेना है, यहाँ पर चार का एक करने के बाद तीन अगर जालियाँ डलती हुई तो आपने यहाँ पर चार का एक करना है, नहीं तो इन फंदों को हमने सीधा ही बना लेना है। फिर ये मैं थोड़ा सा बनाती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। इस साइड की देखिए घटाई हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर मोढ़े की घटाई हमने उतनी ही बनानी होती है जितनी हमने पीछे वाले पार्ट में बनाई है। और गले की कटिंग देखिए इस तरह से हमारी बन के आई है। यहाँ पर बटन पट्टी के फंदे 10 छोड़ दीजिए, ठीक है। 10 बटन पट्टी के फंदे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक जितने मैंने फंदे रखे हैं वो 24 फंदे हैं। आपने जिनके लिए बना रहे हैं जैकेट उसके मोटे के हिसाब से आपने बना लेने हैं। अगर तीन प्लाई वूल से बना ले हैं, इतने ही फंदे रखे हैं, तो आप 23 या 22 या 23 फंदे भी रख सकते हैं। मैंने 24 फंदे रखे हैं इससे। जैसे हमने इस साइड में सेम मोटे की कटाई डाली है और गले की कटिंग की है, सेम टू सेम वैसे ही हमने दूसरे वाले पल्ले में भी डालनी होती है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर हमारी सीधी तरफ से और यहाँ पर उल्टी तरफ से कटाई डालना हमने शुरू करना है। तो चलिए पहले कटाई हम शुरू कर लेते हैं। इसकी डालनी तो बिल्कुल इजी है, और ये वाला पल्ला है जो हमारा, ये बिल्कुल हमने दूसरे पार्ट के जितना ही बनाना है। जैसे हमने पीछे वाले पल्ले में बनाया था, दूसरी साइड में बनाया है, वैसे ही इस साइड में बनेगा, ठीक है। अब ये दो फंदों को एक साथ लेंगे, दो का एक कर देंगे, एक फंदे की कटाई होगी। फिर से दो फंदों को एक साथ लेंगे, दो का एक कर देंगे, दो फंदों की, ऐसे फंदे को थोड़ा लूज ही रखना होता है हमने, ठीक है। फिर से दो फंदों को एक साथ लेंगे, दो का एक कर देंगे, ये तीन की, फिर से दो फंदों को एक साथ लेंगे, दो का एक कर देंगे, चार की, दो फंदों को एक साथ लेंगे, दो का एक कर देंगे, ये पांच फंदों की कटाई हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है। और बाकी की पूरी रो बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। फिर सीधी तरफ से भी हमने यहाँ तक आपने बना लेनी है रो। फिर ये फंदे जो बच गए हैं वहाँ पर आगे मैं दिखाती हूँ कि कैसे करना है हमने। लास्ट में ये दो फंदे उल्टे और ये वाले फंदे मैंने सीधे बना लिए हैं। अब इस एक फंदे को देखिए हमने बनाना नहीं है, इसे बिना बुने ऐसे ही उतार लेना है, ठीक है। सीधी तरफ से ऐसे बनाते हुए हमने रो कंप्लीट करी है। अब उल्टी तरफ से हमने फिर से वैसे ही सेम दो का एक करना है। पहले पांच फंदों की कटाई डाली थी, अब चार फंदों की कटाई डालेगी। अब इस पीछे वाले फंदे को ऊपर से उठाकर ऐसे घेर देना है यहाँ पर, ताकि यहाँ पर सीढ़ियाँ ना बने, बिल्कुल इक्वल हमारी घटाई आए। ये एक फंदे की घटाई होगी, फिर यहाँ पर दो का एक कर देंगे। अब दो फंदों की, फिर से दो का एक करेंगे, तीन फंदों की, फिर से दो का एक कर देंगे, चार फंदों की। अब ये बाकी के फंदे उल्टे बनाएंगे, बाकी की सारी रो सेम टू सेम वैसे ही बनाकर कंप्लीट कर लेनी है, फिर इसके बाद हम घटाई डालेंगे। अब ये पूरी रो डिज़ाइन के हिसाब से मैंने कंप्लीट कर ली है। लास्ट में देखिए दो फंदे उल्टे बनाने के बाद अब इन फंदों को सीधा ही बनाएंगे। यहाँ पर हमने जाली नहीं डालनी है क्योंकि ये फंदे हमारे कम हो गए हैं, यहाँ पर हम अपनी घटाई बना रहे हैं। इसीलिए देखिए दो चार पांच फंदे मैंने ऐसे ही सीधे बना लिए। अब इस लास्ट के फंदे को भी नबूने ऐसे ही उतार लेंगे। अब उल्टी तरफ से हमने यहाँ पर अपनी तीन फंदों की घटाई डालनी है। तो इन दो फंदों को लेंगे ऐसे सिलाई में, पीछे वाले फंदे को उठाकर ऊपर से गिरा देंगे। एक फंदे की होगी, एक फंदा ये, एक ये, दो का एक करेंगे, दो की, दो फंदों को फिर से दो का एक कर देंगे। तीन फंदों की घटाई करने के बाद अब ये दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, सेम वैसे ही बनाते हुए पूरी रो बनाकर कंप्लीट कर लेंगे, उल्टी और सीधी दोनों तरफ से। अब फिर से हम उल्टी तरफ आ गए और दो फंदों की घटाई करनी है। तो पहले तो इन दो फंदों को उतारेंगे, बिना बुने हुए फंदे को उठाकर ऊपर से गिरा देंगे। ये एक फंदे की होगी, एक फंदा ये, एक ये, दो का एक कर देंगे।
ये दो फंदों की कटाई करने के बाद अब धागा दूसरी तरफ करेंगे। अब पूरी रो वैसे ही सेम टू सेम बनाकर अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर लेंगे। अब उल्टी तरफ से हमने सिर्फ एक फंदे की कटाई करनी है यहाँ पर। अब यहाँ पर सिर्फ हमारी एक फंदे की कटाई रह गई है, तो इस तरह से दो फंदे लेंगे, इस बिना बुने हुए फंदे को उठाकर ऊपर से गिरा देंगे। ठीक है, ये एक फंदे की कटाई करने के बाद अब ये पूरी रो हमने उल्टी तरफ से बनाकर कंप्लीट कर लेनी है, क्योंकि सीधी तरफ से हमने अब गले की कटाई डालना शुरू करना है। सीधी तरफ से देखिए बटन पट्टी के फंदों को बनाने के बाद ये दो फंदे हम उल्टे बना लेंगे। अब धागा दूसरी तरफ करेंगे। अब यहाँ से हमने अपने गले की कटाई शुरू करनी है। इस फंदे को उतार कर ऐसे सीधा करेंगे, एक फंदा ये एक ये, दोनों में सिलाई डालते हुए दो का एक कर देंगे। यहाँ पर एक फंदा हमारा कम हो गया और ये कटाई हमारी यहीं से डलनी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, बाकी के फंदों को वैसे ही डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बनाते जाएंगे। सीधी और उल्टी तरफ से ये पूरी रो बना के कंप्लीट कर लेंगे। फिर सीधी तरफ से यहाँ पर आकर हमने फिर से दो का एक करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले मैंने ये आपको बताया है दूसरी साइड में, बिल्कुल वैसे ही इस तरफ भी हमने घटाई डालनी है। अब सीधी तरफ से फिर से हमने ये बटन पट्टी के फंदे बनाने के बाद दो फंदे उल्टे बनाने हैं। अब इस फंदे को उतार कर इस तरह से सीधा कर लेना है, इन दोनों फंदों में सिलाई डालनी है, पीछे से दो का एक कर देना है। ठीक है, ये फंदा सीधा करने से और तो कुछ नहीं, बस ये चैन सी बनेगी हमारी, जिससे हमारी ये घटाई में फिनिशिंग सी आ जाती है, सुंदर लगती है देखने में। अब यहाँ पर हमने इन सभी फंदों को प्लेन नहीं बनाना है, जैसे दूसरी साइड में भी मैंने आपको बताया था जाली डाली थी हमने, चार का एक किया था, वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पर चार का एक करेंगे। तो ये एक जाली यहाँ डलेगी, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, तो इन फंदों को पहले ऐसे ही सीधा बना लेंगे, ये चार फंदों को, एक दो तीन चार। अब ये फंदे सीधे बनाने के बाद फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। अब यहाँ पर जाली डालेंगे, एक जाली, दो जाली, अब ये तीसरी जाली डालेंगे और यहाँ पर चार का एक करेंगे। तीन फंदे हमारे कम होते हैं ना एक साइड में, तो इसीलिए हमने यहाँ पर तीन जालियाँ डाली हैं, यहाँ पर चार का एक कर देंगे इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर दो का एक करने के बाद हमने ये एक दो तीन चार फंदे सीधे बनाए, फिर जाली डाली एक फंदा सीधा, जाली डाली एक फंदा सीधा, जाली डाली चार का एक किया। जिस तरह से सेम दूसरी साइड बनाया है वैसे ही यहाँ पर बनाएंगे, बाकी की रो पूरी बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। फिर सीधी तरफ से आपको एक बार और दिखा देती हूँ कि कैसे करना है। अब सीधी तरफ से फिर से हमने दो का एक करना है, इस फंदे को ऐसे उतार कर सीधा करेंगे, दो फंदों में सिलाई डालेंगे, पीछे से दो का एक कर देंगे। दो का एक हमारा हर बार यहीं पर होगा, दो फंदे उल्टे बनाने के बाद है ना, इस फंदे पर जैसे हम दो का एक करते आ रहे, देखिए अलग ही निशानी हो जाती है। यहाँ पर हमने हर बार सीधी सिलाई में दो का एक करते जाना है। अब तो देखिए डिज़ाइन में क्या होगा, ये सारे फंदे सीधे बनेंगे, फिर दो फंदे उल्टे, ये सारे फंदे अलग डिज़ाइन आएगा। फिर अगली रो में हमने फिर से सेम वही डिज़ाइन को रिपीट करना है, ये एक दो तीन चार, चार फंदों को हमने आगे से सिलाई डालते हुए ये चार का एक करना है। चार का एक बनाएंगे तो तीन फंदे कम हो जाएंगे और तीन जालियाँ डलेंगी, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। फिर हमारी ये फंदे, जैसे ये वाला एक घट जाएगा, ये वाला फंदा और ये वाला फंदा सीधा बनेगा। जब आप बनाओगे तो खुद ब खुद ये आगे आगे बनता जाता है, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत समझाने की आपको कोशिश की है। मेरे को लगता है कि अच्छी तरह से आपको समझ आ गया होगा। और कई लोग कहते हैं कि ये पूरी घटाई बनाकर दिखाइए, तो इतना तो पॉसिबल नहीं होता है। इस घटाई को बनाने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, तो इतनी लंबी वीडियो मैं कैसे डाल सकती हूँ, ये बहुत लंबा हो जाता है पोर्शन, तो ये बनाना मुश्किल है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया है आगे आगे सेम वैसे ही बनाते जाएंगे, तो बिल्कुल ईजी तरीके से ये बन जाएगा। मैं भी इसकी घटाई कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। फ्रेंड्स देखिए दोनों साइड के पल्ले हमारे बनकर तैयार हैं, दोनों साइड की घटाई हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है।
आपने भी ऐसे ही करना है, जितनी पीछे वाले पल्ले में हमने घटाई डाली है ना, सेम टू सेम उतनी ही इधर और उतनी ही इधर डाल लेनी है दोनों साइड में। तो ये सारी घटाई कंप्लीट करने के बाद अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलूंगी, इसके तीरे के फंदे और ये पट्टी को बैक से लेकर कैसे बनाना है। बहुत इजी मेथड बताऊंगी, पीछे से पीछे वाले पल्ले पे ये वाले पट्टी को हमने सिलाई भी नहीं करना है और साथ के साथ ये जुड़ती जाएगी। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है आपने, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।